हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ मधुबनी में, और यहाँ पे मैं कल आया था, तो क्या कहते हैं अभी फिर मैं रहा, अभी कल मेरे को वापस जाना है अपने गांव, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा। बट आज मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, मधुबनी को विजिट कर रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाऊँगा और दिखाता हूँ कि मधुबनी में क्या कैसे है और क्या है। आज आपको मैं आपको मधुबनी का टूर कराऊँगा। बने रहे हमारे साथ। तो पकली का बहुत बड़ा पोखरा या फिर कहे तो एक लेक टाइप का है, देख सकते हैं। और बहुत शांति है यहाँ पे। तो गाइस, ये है यहाँ का मंदिर, और यही मार्केट है आगे। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट लगता है, और इस साइड में ही मंदिर है। एक ये मंदिर है, और ये किसके आगे मंदिर है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और बहुत कुछ। और सेकंड ये वाला मंदिर है, गेट है कुछ यहाँ से। तो ये है वो मंदिर। तो एक साइड मंदिर है, और एक साइड ये लेक है। साइड में शॉप्स हैं यहाँ पे। अब अभी देख रहे अंधेरा है तो कुछ खास नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। एक साइड शॉप, एक साइड ये मंदिर, और आगे मार्केट ही मार्केट है। यहाँ पे लो हर चीज़ का शॉप है, क्या कपड़े की हो जाए, हर चीज़ की मार्केट। मेन के चलिए मधुबनी का मेन मार्केट ही आगे है। और अब यहाँ पे दर्शन के लिए कुछ सामान वामान लिया जा रहा है, पूजा पूजा सामग्री जिसे कहते हैं वो लिया जा रहा है। पूजा सामग्री लेने के बाद हम मंदिर में जाएंगे। मंदिर में अब देखते हैं मंदिर में अलाउ है कि नहीं रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे प्रसाद लिया जा रहा है, बूंदी के लड्डू। वैसे यहाँ पे हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है, तो सुनने में आया कि कल परसों में बारिश हुई थी, बट सिर्फ वो ये जो लेक है जो इनके पोखरे में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो लिमिट है अभी, नहीं तो और कुछ खास नहीं है। चलिए अब चलते हैं मंदिर में, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे गाइस हम मंदिर के जाने के लिए निकल चुके हैं। हम देखते हैं आगे जाके कैसा है, बहुत टाइम बाद आ रहा है इस मंदिर में, तो आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये अंदर से मंदिर कुछ ऐसा है। बाकी गाइस यहाँ पे मैं अपना व्लॉगिंग कर रहा था, इतने मैंने देखा कि एक न्यू मैरिड कपल आए हैं दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव के मतलब एक तरह से अभी इनकी मैरिज हुई है, और यहां पे ये दर्शन करने आए हैं क्योंकि यहाँ बहुत फेमस मंदिर है। तो ये देख सकते हैं आप,
और जस्ट अभी आए हैं, उनकी कार भी देखिए टर्न ले रही है अभी। और इस मंदिर की अलग ही बहुत कुछ मान्यता है कि यहाँ का हर एक इच्छा पूरी होती है जो भी मांगी जाती है एंड ऑल। तो आप लोग चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे, मधुबनी की बहुत फेमस काली मंदिर नाम है इसका, तो आइएगा ज़रूर, तो एक बार दर्शन करिएगा। मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ, बाइक से बाहर है, भी मंदिर से बाहर। तो बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, और अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, शायद घर ही जाएंगे, क्योंकि मार्केट में भी कुछ काम तो है नहीं। अगर होता तो मैं आपको मार्केट भी दिखाता है कि बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ही फेमस मार्केट है मधुबनी मार्केट। तो देखते हैं क्या कहाँ जाएंगे, फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे हम सेकंड मंदिर पे आ चुके हैं और यहाँ पे वो लोग दर्शन कर रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा इधर का मार्केट दिखाता हूँ। अभी तो बहुत ही अलग ही मार्केट्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कपड़े की दुकान, तो इधर साड़ीज़ की दुकान है और अंदर हर चीज़ की दुकान है। कहते रहो, ये अच्छा खासा मार्केट है, बहुत पास में ही हम लोग के घर के, तो हम लोग आ सकते हैं। देखिए इधर चूड़ियाँ की दुकान है, चूड़ी है, और पूरा आगे तक मार्केट है, वहाँ तक आगे जब वो देख सकते हैं, वहाँ उस पास पॉइंट तक है मार्केट ही मार्केट है। और इसका छोटे से लेके बड़े से बड़े सामान तक का मार्केट है। कुल मिला के खाने पीने की चीज़ें आ चुके हैं, जो कि हनुमान मंदिर देखा था। ये मंदिर है, ये भी यहाँ का फेमस मंदिर में से एक है। यहाँ पे भी अभी के टाइम थोड़ा रात होगी तो और भीड़ बढ़ेगी। जस्ट मंदिर से जस्ट छठ की दुकान से, शॉप से, यहाँ पे हर चीज़ की, इधर लेडीज़ की और उधर हम लोग मतलब मेल जेंट्स की, इधर शॉप है अलग, मतलब एक ही मार्केट, एक ही एरिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ज़रूर आके ट्राई करिएगा। और अब गर्मी बहुत है, यहाँ पे पसीना आ रहा है थोड़ा बहुत, तो चलिए मैं दर्शन करता हूँ, फिर दर्शन करके आपसे मिलता हूँ। पर हम आए हैं खाने के लिए न्यू बॉम्बे, न्यू मुंबई फेमस भेलपूरी, यहाँ की रेट मैं आपको दिखाता हूँ। भेलपूरी देश की, भेल चाट की, उसकी भेलपूरी, सभी गुप्पे चाट, गोपड़ी चाट, इतने सारे हैं, काफ़ी सारे हैं। टेस्ट करते हैं कैसा है यहाँ का। और यहाँ मम्मी कुछ शॉपिंग देख रही हैं, क्या क्या लेना कुछ। तो फाइनली मैं यहाँ घर आ चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर में घूमने वैसे बहुत मज़ा आया, गुलपे गुलपे खाए और थोड़ा मंदिर वंदिर विजिट किया और मार्केट भी आपको दिखाया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे ब्लॉग्स आपको तुरंत और सबसे जल्दी पहुंच सकें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।